नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से YouTube चैनल एनर्जी फाइनेंस पर। तो आज मंडे है और हम लोग मंडे नाइट में कुछ स्टॉक डिस्कस करने वाले हैं कल के लिए। तो चलिए एक बार देखते हैं सारे स्टॉक्स को, और स्पेशली इसमें आज मैंने इंक्लूड किया है टाटा मोटर्स को, M&M को, क्योंकि ये दो तीन स्टॉक ऐसे हैं जो कि कहीं ना कहीं लोग डरे हुए हैं कि इनमें उनको अब क्या किया जाए, क्योंकि स्टॉक थोड़ा नीचे चल रहे हैं। ओके, और इसके साथ में कुछ और अच्छे स्टॉक्स हैं जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वो सारी चीजें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाई वन। और उससे पहले दोस्तों, अगर आप लोगों ने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर दीजिए, अपनी प्यारी सी उंगली एक सब्सक्राइब बटन पे दबा दीजिए, रख दीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला तो देखिए स्टॉक है LIC हाउसिंग फाइनेंस का। तो जो उसका करंट हाई था, अगर आप देखोगे लेटेस्ट हाई जो लगा था ऑलमोस्ट कितना था, 542 का था, और अभी जो स्टॉक का क्लोजिंग प्राइस है वो कितना है, दैट इज ऑलमोस्ट 442, यानी रिसेंट हाई से। और पहले ये जो ये वीकली चार्ट है, तो वीकली में अगर आप देखोगे कोविड फॉल यहाँ था 23 मार्च का, ये ऑलमोस्ट डाउन लगा था। ओके, आई मीन ये वीक जो है पूरा, उसके पहले के ऑलमोस्ट हाई को टच करने वाला था ये 560 को, उसको इसने किया नहीं। फिलहाल ये 100 पॉइंट्स डाउन आ गया और 200 DMA का सपोर्ट लेकर के आज यहाँ पर ये क्लोज हुआ है। तो यहाँ से अब आप चाहो तो अपना बाई लगा सकते हो। एक और दूसरा बाई करने का एक लेवल और है, उसके बाद में ग्रीन लाइन जो है वो आपको CBSL का आपके लिए काम करेगी। तो इसका पूरा डिटेल आपको ये ट्विटर पे ऑलरेडी अवेलेबल है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। नाउ कमिंग टू वन मोर स्टॉक दोस्तों, ये स्टॉक भी मैंने कम्प्लीटली ट्विटर पे ट्वीट किया है, अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो इसको रीट्वीट कर देना ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। तो दोस्तों ये स्टॉक है किर्लोस्कर का, तो इस पे आप देखे 294 का भी इस पे आज का क्लोजिंग है। करंट मार्केट प्राइस पे भी अगर 50 स्टॉक उठाते हैं और उसके बाद में ये रेड लाइन जो आप देख रहे हो 264 अगर यहाँ कहीं आता है तो यहाँ भी आप इस पे बाइंग लगा सकते हैं। ओवरऑल इसमें एक्चुअली आपको 265-63 के आसपास में अगर मिल जाता है वहां पे बिल्कुल इसको बाई कीजिए। दो बाई होंगे इसमें, एक ये करंट मार्केट प्राइस पर और दूसरा बाई लगेगा जस्ट इन केस दिस स्टॉक इज कमिंग नियर 265-260 लेवल। और इसका जो पूरा डिटेल है वो आपको यहां पर मिल जाएगा, वेयर इज दिस, ओके CBSL भी देखे यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, मैंने टारगेट भी मेंशन किए हुए हैं। तो ये दो स्टॉक आप अब आराम से जान सकते हैं इनके बारे में। नेक्स्ट स्टॉक है सन टीवी। सन टीवी को मैं एक साल से ऑलमोस्ट रिकमेंड करता आ रहा हूँ और बोलता आ रहा हूँ इसको रखे रहो, जो जहां मौका मिले एक्युमुलेट करते जाओ। दोस्तों सन टीवी बार बार आ करके ये तीसरी चौथी बार टच करने जा रहा है, तीसरी बार कोरोना के बाद में, आई थिंक नहीं कोरोना, जी हाँ कोरोना के बाद अगर आप देखोगे, यानी कि ये जो कोविड का फॉल था उसके बाद में जो स्टॉक है ये चौथी बार अब यहाँ पर आ रहा है। ओके, तो जैसे ही ये आता है इसके ऊपर 560 के ऊपर क्लोजिंग बनाता है, एक दो दिन सस्टेन करता है अगर ये स्टॉक, तो आपके लिए अच्छा मुनाफा दे करके जाएगा। इसमें जो हमारे टारगेट है आप टेलीग्राम में चेक करना, फिलहाल पास का टारगेट मैं आपको बोलता हूँ 700, उसके ऊपर के टारगेट आप टेलीग्राम में सर्च कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी आपको बता के रखा हुआ है। नेक्स्ट स्टॉक है दीपक नाइट्राइट का। दोस्तों दीपक नाइट्राइट में क्या है, पहली चीज मार्केट शेयर इस स्टॉक का ऑलमोस्ट 82-85% है, यानी अगर ये समझ लो अगर पूरे इंडिया में अगर टोटल 100 मैन्युफैक्चरर्स हैं या 100 शॉप्स हैं, केवल मैं ये बोल दूं 100 ऐसे लोग हैं जो दीपक नाइट्रेट को बेचते हैं, उसमें से एक फैमिली ऐसी है जो कि 80% यानी 80-85 एक ही फैमिली के, सिंपली आप समझ लीजिए एक ही दुकान के हैं सब, यानी मार्केट शेयर जो इनका है 80-85% का है सोडियम नाइट्रेट को सेल करने में। ऐसे में इस स्टॉक को कल, चूंकि रिजल्ट इसका आ रहा है, कल है आई थिंक आज था, आई डोंट नो, एक बार चेक कर लेना, रिजल्ट टाइम इसका आ चुका है, और ऐसे में उसमें ऊपर नीचे बहुत तेजी से होगा। तो अगर इनकेस नीचे ही आता है स्टॉक, तो जैसे ही आपको देखिए एक लेवल आपको मिलता है 1870 का 1870, एंड नेक्स्ट लेवल विल बी अराउंड, इफ इट इज कमिंग नियर 1830, एंड थर्ड लेवल विल बी अराउंड 1730। तो मतलब इन सभी में आपको 10-10 स्टॉक्स आप अगर चाहो तो एक्युमुलेट कर सकते हो। टारगेट मेरा बहुत क्लियर कट पहले भी बोल रखा है, अभी भी बोलता हूं 2300 प्लस का टारगेट रहेगा दीपक नाइट्रेट में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टॉक कैपली पॉइंट। कैपली पॉइंट आप लोगों को शायद याद होगा,
और टेलीग्राम वालों को तो डेफिनेटली याद होगा और व्हाट्सएप वालों हमारे मेंबर्स को। दोस्तों ये हमारा फेवरेट स्टॉक था एक समय में, टू हंड आई मीन जब ये स्टॉक, यहाँ पर थोड़ा पीछे चलिए, जब ये स्टॉक ऑलमोस्ट 400 to 500 की रेंज में रहा करता था, अगर आप सर्च करो आई थिंक दैट वुड बी बेटर। मैं आपको इस पे एक स्क्रीन, आप एक काम कीजिएगा टेलीग्राम में सर्च कर लीजिएगा, अदरवाइज मैं अपने फोन पर ही चेक करके आपको बता देता हूँ टेलीग्राम में मैंने, क्योंकि ऑलरेडी दे रखा है कई बार, इसको मैंने सजेस्ट किया था कैपली पॉइंट। कैपली पॉइंट दोस्तों 453 412 412 तक के लेवल तक इसकी मैंने डिस्कशन इसका किया है। और इस स्टॉक को कहाँ गया, जी हाँ मैं बताता हूँ आपको, 14 फरवरी का मेरा एक इस पे पोस्ट है टेलीग्राम में और मैंने साफ साफ बोल दिया था कि इसको एकुमुलेट करना स्टार्ट कर दो। उस समय इसका करेंट मार्केट प्राइस 468 था, अभी ये 950 प्लस 950 बना चुका है स्टॉक। खैर फर्दर टारगेट जो हमारे कैपली पॉइंट में है वो 1030 और 1180 के हैं। देखिए रखे रहिए स्टॉक को, थोड़ा अगर आप देखोगे ओवरऑल ये जो मार्केट आपको कोविड के बाद में दिख रही है, फायदा उनको ज्यादा हुआ है जिन्होंने पर्टिकुलर स्टॉक को रखा हुआ है। हाँ ये चीज मैं एडमिट करता हूँ, जैसे सन सन टीवी टाइप के जो स्टॉक हैं ये भी उतना नहीं कर पाए, इवन एलआईसी ने नो डाउट आपको दिया है 280 के लेवल से ऑलमोस्ट 500 प्लस ये बना के जा चुका, और 280 के आसपास में मैं बहुत ज्यादा रिकमेंड करता था इस स्टॉक को और वहां से आपको ऑलमोस्ट डबल करके दे चुका है। बट अभी ऐसे कई स्टॉक हैं जो परफॉर्म नहीं किए हैं जैसे कि सन टीवी, तो इसको भी आप नजर बना के पूरी रखिए। और इसके बाद में टाटा मेटालिक, टाटा मेटालिक 1100 के नीचे या 1100 के आसपास में लास्ट टाइम मैंने शेयर किया था, ये स्टॉक अभी 1280 पे ट्रेड कर रहा है। गिरता है तो गिरने दीजिए, 1140 पे बाई कर लेना, और नीचे आता है 1050 पे बाई कर लेना, लेकिन ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मेरे हिसाब से टारगेट, फर्स्ट टारगेट जो हमारा अभी 1400 का रहेगा उसके ऊपर फिर से हम लोग अपडेट कर देंगे। देखिए कुछ ऐसे अच्छे स्टॉक होते हैं जिनको आप कभी मिस मत करो, जैसे कि माइंडट्री ले लो, कोफोर्ज ले लो, ठीक है, और उसके साथ में एम्फेसिस को देख लो आप, और बजाज फाइनेंस के देख लो, लास्ट टाइम मुझे याद है 47 के आसपास से मैंने बहुत स्ट्रॉन्ग बाई लगवाया था। मारुति को देख लो आप, 6500 से 7800 तक का दे चुका है, फिर से 7200 के आसपास में आ चुका है। तो दोस्तों ये जो कुछ अच्छे स्टॉक हैं इनमें जब भी आपको काफी नीचे दिखे इनमें बाई लगाइए, उनको एकुमुलेट कीजिए। सिमिलरली टाटा मेटालिक पे मेरा पॉजिटिव व्यू है, 1400 का हमारा टारगेट रहेगा, हो सकता है 2-3 दिन आपको गिरता हुआ भी दिख जाए पर कोई समस्या की बात नहीं, इसको एकुमुलेट कीजिए। सेम टाटा स्टील में है, टाटा स्टील 1075 के आसपास में लास्ट टाइम 2-3 टाइम्स लास्ट में जो फॉल हुआ था, ट्वीट भी किया था मैंने, टाटा स्टील उठाओ ये बहुत अच्छा स्टॉक है आपके लिए। अभी देख लो 1300 प्लस हो चुका है, अभी उसमें 1400 के टारगेट टाटा स्टील में भी है। सेल की बात कर लेता हूँ, जब सेल का मैं यहाँ चार्ट ओपन नहीं किया हूँ लेकिन सेल भी आपके पास होना चाहिए। और जिंदल स्टील अभी आज ही देखिए 437 बना के गया है, अभी भी मैं बोलता हूँ जिंदल स्टील अगर 390 तक आता है गिरता है उसको बिंदास ऐड कीजिए, ठीक है। नाउ कमिंग टू टाटा मोटर्स, ये स्टॉक जो है आज इसका रिजल्ट आया है, काफी लोग परेशान है, रेवेन्यू अच्छा है लेकिन तो ओवरऑल आई मीन जो JLR सेक्शन है वहां से इसको लॉस है ऑलमोस्ट 4000 प्लस कुछ करोड़ का। तो दोस्तों इस पे अब लोग घबरा जाएंगे और हो सकता है, मुझे तो लगता है कि इसका उल्टा भी हो सकता है कि कल ये स्टॉक आपको गैप अप दिख जाए, बट इन केस दिस स्टॉक इज कमिंग डाउन, सो कमिंग डाउन में 280 एक लेवल है हमारा एड करने का, नेक्स्ट लेवल विल बी 260। तो दोस्तों इस लेवल को ध्यान रखना, कल अगर मिल जाए दबा लेना इसको, बिंदास ऐड करना, कोई डरने की बात नहीं है। TCS बिल्कुल आराम से बैठा है, और आपको लगता है कि टाटा मोटर्स मतलब ऐसी कोई कंपनी है जो आसानी से मार्केट से हट जाएगी जब उसके एक से एक मॉडल ऑलरेडी मतलब डिमांड में रहते हैं, वो ऑलरेडी आई मीन बुकिंग प्री बुकिंग रहती है और दोस्तों उनकी सप्लाई उतनी ज्यादा नहीं है फिलहाल, तो ऐसे स्टॉक को जाने मत दो हाथ हाथ से। 260 इन केस अगर कल आ जाता है रिजल्ट के चक्कर में तो बिंदास इसको ऐड कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। कमिंग टू M&M, M&M से आप यही अंदाजा लगाइए, थार अगर आप बाई करने का प्लान कर रहे हो उसकी सेलिंग बाकी आप सब जानते हैं दोस्तों। तो M&M हालांकि 800 के लेवल से गिरा हुआ चल रहा है, ये स्टॉक ऐसा है जिसने परेशान कर रखा है हम लोगों को, और इस पे मैंने भी पोजिशनल बाई किया हुआ है लेकिन अब क्या करें,
हमारा 848-60 का टारगेट था जो कि अभी तक हिट नहीं हुआ है और ये लगातार नीचे आ रहा है। अब दोस्तों इस पे नेक्स्ट बाई जो मेरी होगी दैट विल बी 740। ओके 740 की हमारी नेक्स्ट बाई होगी महिंद्रा एंड महिंद्रा में, और उसके बाद में एक और बाई लगाऊंगा जो हमारा 200 DMA का सपोर्ट है वीकली चार्ट पे 680 के पास में। तो ये दो जगह मैं बाई कर लूंगा, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 30-30 स्टॉक या 40-40 स्टॉक ही बाई करूंगा। ठीक है, आप भी अपने हिसाब से, अपने कैपिटल के हिसाब से देख सकते हो कहाँ पे कैसा इन्वेस्ट करना है। बाकी मेरे हिसाब से इसमें लॉस में मत निकलना, और चूंकि पर्टिकुलर मैंने भी स्ट्रांगली इसको सजेस्ट किया, इसलिए मैं अपनी तरफ से तो बोलूंगा इसको लॉस में मत निकालना इस स्टॉक को। महिंद्रा ग्रुप में अभी भी ऐसा कुछ नहीं है कि आपको चिंता करने की बात हो, अभी इसके स्टॉक अदर देख लो आप। M&M फाइनेंस इसका डाउन चल रहा है, क्योंकि इधर ये महिंद्रा एंड महिंद्रा भी डाउन चल रहा है, और सबसे ज्यादा महिंद्रा की गाड़ियों को फाइनेंसिंग वहीं से मिलती है। ठीक है, M&M फाइनेंस के लेवल जो है मैं आपको टेलीग्राम में अपडेट कर दूंगा। आज गिरा हुआ था, 144 तक आया था M&M फाइनेंस। अगर इन केस आपके पास वो स्टॉक हो तो उसको 135 और उसके बाद में 127 दो लेवल है जहाँ पे आप एक्यूमुलेट कर सकते हो, तो उसको भी ध्यान में रखना। कमिंग टू इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड, कल ही इसको हम लोगों ने पोस्ट किया था, टेलीग्राम पे भी दिया था। तो दोस्तों आज 296 कुछ बना के गया, यहाँ पे हमने 292 का CBSL रखवा के लोगों को बोला जिनको बुक करना, और 296 पे था बुक करवा दिया था, अदरवाइज 292 के नीचे अगर जाता तो मैंने बोल दिया था इसको बुक कर लेना। 281 पे इसका बाई लगाया था इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड का टेलीग्राम पर। ये स्टॉक अगर गिरता है दोस्तों, तो ये जो लेवल देख रहे हो ना, ये लेवल मैं बार बार बोल रहा हूँ, कई बार अपने वीडियोस में मैंने बोले हैं, 260 आए बिल्कुल बिंदास बाई करो, उसके बाद में नेक्स्ट बाई लगा देना ऑलमोस्ट अगर ये आता है 215-15 के लेवल पे, और उसके बाद में एक और बिल्कुल डरावना लेवल अगर आपको दिख जाए 160 के पास में, तो वहां भी आप इसको एक्चुअली मुझे पुराना वाला याद है, ये अक्टूबर के टाइम पे देखिए 140 चला करता था। हालांकि आप 216-210 तक अगर आता है डेफिनेटली बाई कीजिए, लेकिन मुझको नहीं लगता कि ये 260 के नीचे आएगा इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड। फिर से मैं रिपीट करता हूँ, आई डोंट बिलीव दिस इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड विल कम बिलो 260, एंड 258 का आप यहाँ पे CBSL रख के यहाँ पे 260 पे इस पे एडिशन कर भी सकते हो, शॉर्ट टर्म ट्रेड बना सकते हो इनकेस आए। फिलहाल करंट मार्केट प्राइस पे भी मैं यही बोलूंगा, बिल्कुल बाई करके बिंदास इसको रखिए, आपको 360-390 के लेवल आराम से देखे जाएगा, ऑलमोस्ट 400 के नीचे तक, यानी यहाँ तक टच करेगा आकर के, तो इस स्टॉक पे बेझिझक बाई बना के रखिए, अपना रखें ऑलरेडी, कोई दिक्कत नहीं है। अभी देखिए कैनफिन होम की बात करें, कैनफिन होम हमारा जो लास्ट टाइम बाई था आई थिंक दिस वाज अराउंड 519 या 520, टेलीग्राम पे मैंने दिया हुआ है, अभी ये डेली चार्ट है। जी हाँ, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ये जो मैंने आपको टेलीग्राम पे भी जो मैंने दिया था वो इसी रेंज पे दिया था, कहीं ना कहीं या तो 510 होगा, या तो 520 होगा, या तो 519 होगा, यही कहीं बाई करवाया था, और हमारा 560 का टारगेट था। तो आज हमारा फाइनली टारगेट कंप्लीट हो गया है, 564 का हाई बना है। जिन्होंने बुकिंग कर ली बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने 50% बुकिंग की है जो कि मेरा फंडा है, तो वो भी अच्छी बात है, आप 50% स्टॉक के साथ में होल्ड में रखिए, क्योंकि अभी यहाँ से दोस्तों अगर ये 560 के ऊपर क्लोजिंग कल बनाता है अगर, तो ये स्टॉक 600 तक आपको ले जाकर 590-600 तक के लेवल दे देगा। गिर जाता है अगर ये स्टॉक तो आने दो 520, फिर से बाई कर लेना, वेरी गुड स्टॉक। इसके बाद में दोस्तों निफ्टी की बात करें, निफ्टी जो है देखिए अभी भी वही लास्ट वन वीक या टू वीक से मैं बोल रहा हूँ निफ्टी में क्या चल रहा है, ऐसे ही चलता रहेगा दोस्तों, हो सकता है पूरी जुलाई जैसा कि मेरा एक्सपेक्टेशन था ऐसे ही चलता रहेगा। इधर से 15,500 नहीं तोड़ेंगे और इधर से 16,000 का लेवल नहीं तोड़ेंगे, मतलब इसी बीच में लेके चलेंगे हमारे जितने भी भाई राइटर्स हैं, बड़े बड़े लोग हैं, तो ऐसे में आप भी यही कर सकते हो। फिलहाल देखिए अगर डेली की बात करें, कल की बात करें, तो निफ्टी में 15,800 का एक अच्छा खासा सपोर्ट है, और हालांकि सपोर्ट की बात करोगे आप तो 15,770 के पास में रहेगा, तो वहां पे अगर जाता है निफ्टी तो आप डेफिनेटली वहां से कॉल ऑप्शन उसका बाई कर सकते हो, या फ्यूचर बाई कर सकते हो अपना 30-20 पॉइंट्स का वो लगा करके, स्टॉप लॉस लगा करके। अरे यार ओके,
जी हाँ, तो निफ्टी का ऐसा है कि देखिए, अगर इन केस कल नीचे आता है 15,770 के आसपास में आता है, वहां पे आप डेफिनेटली अपना वहां से पॉजिटिव एक ट्रेड ले सकते हो, और स्टॉप लॉस काफी छोटा रखना, 10 या 15 पॉइंट्स का मैक्सिमम। अदरवाइज बहुत सेफ खेलना चाहते हो तो जस्ट इन केस अगर निफ्टी डाउन आता है एंड इफ इट इज कमिंग 15,730, देन यू कैन बाई निफ्टी फ्यूचर। ओके, और अभी लगता है कि दोस्तों कुछ 3-4 दिन या फिर जुलाई एक्सपायरी तक क्या होना है निफ्टी को, बस इसी उस पे इसी रेंज में ट्रेवल करना है, तो ज्यादा कुछ ब्रेकआउट दिखेगा नहीं, ना तो डाउन साइड ना तो अप साइड में। सो अभी के लिए यही बोल सकता हूँ, 15,770 एक इसके लिए अच्छा सपोर्ट का काम करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी जो भी स्टॉक्स होंगे नेक्स्ट वीडियो में अपडेट कर देंगे। बाकी ट्विटर में तो आपको बहुत सारे मिलते हैं, तो मेरा ट्विटर आईडी @VikiNRJ है, वहां से आप फॉलो कर सकते हैं। देखिए कई सारी चीजें यहाँ पे आपको डिस्कशन मिल जाएंगे कई सारी चीजों के। ओके, CDSL का सर्किट खुल गया, जिसको बाई करना हो बाई कर लो। जोमेटो पहले ही बोला था, जोमेटो को रखना हो रख लो, बेचना हो बेच लो दोस्तों, लेकिन लॉन्ग टर्म पे मेरा टारगेट ऑलमोस्ट 300 के आसपास तक का रहेगा। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।